दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के वीडियो में जानिए हमें सुअर का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर आप भी सुअर का मांस खाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि सुअर का मांस खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। सुअर के मांस की ये सच्चाई आपको हैरान करके रख देगी। दोस्तों अगर आप चाइना, कोरिया, अमेरिका और यूरोप के देशों में जाएंगे तो वहां पर सुअर जमकर खाया जाता है, लेकिन जब बात मिडल ईस्ट की आती है जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां आप देखेंगे कोई सुअर खाना तो दूर की बात है, उसका नाम तक नहीं लेता, क्योंकि इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना हराम माना गया है। पर ऐसा क्यों है? क्यों बाकी सभी जानवरों को छोड़कर सुअर को खाना ही इस्लाम धर्म में पाप समझा जाता है? क्या होता है सुअर के अंदर जिसे अगर मुसलमान खा ले तो अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा? आज इन सभी चीजों के बारे में यानी मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना हराम है, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। जहां इस्लाम धर्म की सबसे पाक किताब कही जाने वाली कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि सुअर जैसे जानवर का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर सुअर को ही इस्लाम धर्म में क्यों हराम बताया गया? असल में इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सुअर की शारीरिक बनावट और उसकी मानसिक स्थिति है, जो उसे बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है। इतना अलग कि सुअर अगर आप खाते हैं तो उसका प्रभाव आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुअर कोई मामूली जानवर नहीं, वो एक ऐसा जानवर है जो दिन भर गंदगी में पड़ा रहता है। गंदगी में उसे उतना प्यार मिलता है, अगर सुअर को किसी साफ सुथरी जगह पर छोड़ देना तो पास में थोड़ी सी गंदगी रख दो, वो गंदगी के पास जाकर बैठ जाएगा और पूरी साफ सुथरी जगह छोड़ देगा। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों सुअर को गंदगी पसंद है? तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सुअर की बॉडी में स्वेट ग्लैंड का ना होना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुअर के शरीर में पसीनों को पैदा करने वाली ग्रंथि नहीं होती, जिसकी वजह से सुअर को पसीना आता ही नहीं है। ऐसे में अपने शरीर को गर्मी से बचाए रखने के लिए सुअर कीचड़ में लौटना शुरू कर देता है। पसीना ना आने की वजह से सुअर की बॉडी काफी विषैली बन जाती है, इतनी विषैली कि सल्फेट नामक जो हानिकारक तत्व है वो जहर के समान होता है। उसका असर सुअर के रूप रत्ती भर भी नहीं होता। अगर कोई इंसान सुअर का मांस खा लेता है तो उसे पचाने के लिए 4 से 5 घंटों का समय लगता है, और सुअर के मांस के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि इन टॉक्सिन्स को फिल्टर करने के लिए हमारे लीवर को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मीट के मुकाबले लीवर जब सुअर के मीट को फिल्टर करता है तो उसे दुगनी मेहनत लगती है, जिसकी वजह से हमारे लीवर को तकलीफ होती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुअर के मांस में बफलो के मांस के मुकाबले दुगना फैट होता है, जिसकी वजह से शरीर में चर्बी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। महिलाओं के पूरे शरीर की चर्बी बढ़ती है तो वहीं पुरुषों की छाती महिलाओं की तरफ बाहर निकलने लगती है, और ये सब कुछ सुअर के मांस को खाने से होता है। इतना ही नहीं, जब बॉडी का फैट बढ़ता है तो हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, और हम हाइपरटेंशन को कैसे भूल सकते हैं, ये भी तो सुअर के मांस से ही बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में हुए एक अध्ययन से बात साबित हुई कि लगातार सुअर का मांस खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान को हार्ट अटैक की संभावना 10 में से 2 बार है, तो वहीं सुअर खाने वाले इंसान को हार्ट अटैक की संभावना 10 में से 6 बार है। इसलिए सुअर इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और अभी तो सुअर के मांस की सबसे बड़ी खराबी बताना बाकी है, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म में सुअर खाना मना है, वो ये कि शरीर में पाए जाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया। असल में सुअर के शरीर में कई सारे बैक्टीरिया और पायरोजेंस पाए जाते हैं, जैसे कि पिनवर्म, हुकवर्म और टेपवर्म। टेपवर्म के अंडे हमारे शरीर में दौड़ रहे खून में मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो कहीं भी जा सकते हैं, और अगर गलती से ये कीड़े दिमाग के अंदर पहुंच गए तो समझ लीजिए आपका बचना नामुमकिन है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज का खतरा हो जाता है। दोस्तों केवल पवित्र कुरान में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सुअर का मांस खाना मना है, और इसी के साथ बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 में लिखा हुआ है कि आपके लिए सुअर का मांस खाना और सुअर को हाथ लगाना हराम है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन,
यानी कि जिस तरह का हम खाते हैं अन्न, उसी तरह का असर हमारे दिमाग पर होता है। ऐसे में आप सोच लीजिए, सुअर कितना गंदा जानवर होता है, जिसे साफ सफाई छोड़कर हर गंदी चीज पसंद है। और सुअर अक्सर वहीं रहते हैं जहां मल मूत्र पड़ा रहता है, जिसे खाकर सुअर बड़े मजे में हो जाते हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, सुअर तो कई बार अपना ही मल खाने से पीछे नहीं हटते। यानी कि दोस्तों, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, ये बात तो तय है कि आपको सुअर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में इसे यूं ही हराम नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक ऐसे जानवर के तौर पर बताया गया है जो गंदगी में रहता है, कुछ भी खा लेता है और कुछ भी करने लगता है। इस तरह के जानवर को जब आप खाएंगे तो आपका दिमाग में कुछ ऐसा ही गंदा और खतरनाक बन जाएगा। इसलिए इस्लाम धर्म के लोगों को सुअर खाना मना किया जाता है, ताकि वो लोग सुअर के अंदर पाए जाने वाली गंदगी से बचे, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में जो बातें कही जाती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक कारण छुपे रहते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से ना सही, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनका पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आप मांस मच्छी खाते हैं तो धड़ल्ले से कुछ भी खाइए, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि सुअर जैसे गंदे और जानलेवा जानवर को बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाली बीमारियां आपको अपनी गिरफ्त में लेकर मौत के घाट उतार सकती हैं। यही वजह है कि सुअर को केवल इस्लाम ही नहीं बल्कि कई सारे धर्मों के लोग बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।